ट्रक से यहाँ से खदान से आता है यहीं पास में, ये जो देख रहे हैं इस पहाड़ के ठीक पीछे, इस पहाड़ के ठीक पीछे खदान है। इस छोर को कटनी इंड बोलते हैं प्लेटफॉर्म के, और उस छोर को उबरा इंड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक सांप, जंगली सांप मिलते हैं, रसल वाइपर हो गया। यहाँ पे हो रहा है मेस्टेक की सेंटिंग, और मेस्टेक तो क्या हाल है, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और सोकर के तो लगभग मैं 7:30 बजे उठ गया था, और पूरी रूम की सफाई कर दी मैंने आगे पीछे, और रूम की सारी और झाड़ू वगैरह सब लगा दिया मैंने, बर्तन भी धो दिया है। लगता है दोस्तों कूड़े वाला आया हुआ है, हाँ कूड़े वाला आया हुआ है, तो उसको दे देते हैं। और 2-3 दिन से दिया नहीं है मैंने, और वैसे ही रखा हुआ है, डस्टबिन का सारा कूड़ा भर चुका है। इसको दे देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं, वो उठा लेगा, और नहीं तो फिर कहाँ फेंकेंगे, भर भी गया था लगभग ना पूरा। और आज दोस्तों है संडे, तो आज का प्लान है, सोच रहे हैं कि चिकन बनाने का, और अभी टाइम हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं, चलते हैं यहीं स्टेशन के पास से चिकन लेके आते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हैं, और थोड़े मसाले वगैरह जो हैं, और लहसुन और चिकन ये लेकर के आते हैं और बनाते हैं, क्योंकि आज है संडे और मन कर रहा है आज चिकन खाने का। और मौसम भी एक नंबर देख रहे हैं, बारिश वाला हुआ पड़ा है। बारिश तो यहाँ लगभग पिछले 15 दिन से लगातार हो रहा है, मतलब पर डे हो ही जा रहा है, सुबह ना शाम या रात एक टाइम तो हो ही जा रहा है, कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक हो जा रहा है। चलते हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है लगभग 9 बज रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं सारा प्रिपरेशन खाना बनाने का। अपनी ब्लैक ब्यूटी को निकालते हैं बाहर, और इसको थोड़ा वार्म अप करते हैं। तो दोस्तों बाइक को निकाल दिए हैं बाहर वार्म अप के लिए, और स्टार्ट कर दिए हैं, कोल्ड स्टार्ट कर दिए हैं, कम से कम 4-5 मिनट थोड़ा इसका इंजन गर्म हो जाए। बाइक को दोस्तों जब भी, ये थोड़ी हाई आरपीएम वाली बाइकें होती है ना, तो कम से कम कोई भी बाइक हो, कम से कम सुबह सुबह जब भी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम इसको कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए इंजन, उसका वो जो मूवी वगैरह है इंजन ऑयल है सब ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम फैल जाए, क्योंकि इससे इंजन सेफ रहता है। खैर ये तो होगी थोड़ी सी नॉलेज वाली बात बाइक से रिलेटेड। ले चुके हैं चिकन, चलते हैं अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। तेल मसाला और गार्लिक वगैरह ले लिए हैं, अब चलते हैं रूम पर और प्रिपरेशन के स्टार्ट करते हैं आज का। और यही सामने दोस्तों अपना रेलवे स्टेशन है सिंगरौली, देख रहे हैं, और ये रहा अपना पैनल रूम सामने जो दिख रहा है, और ये स्टेशन है पूरा बिल्डिंग, और इधर की छोटी छोटी सब दुकान है। तो दोस्तों अपने को लग रही है कि थोड़ी भूख, मतलब बनाते बनाते कम से कम 2 घंटे दे दीजिए, बनाते बनाते तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, उससे पहले ही पेट में कम से कम चूहे कूद रहे हैं, उसको खत्म कर शांत करने के लिए कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कचौड़ी और जलेबी का नाश्ता कर लेते हैं, जोर से भूख लग रही थी, गर्मा गर्म दिखा कचौड़ी नाश्ता के लिए। पहुंच चुके हैं अपने रूम, दूध वाले भैया भी आ गए, जो जितना सब्सक्राइबर है सब मुगल सिंगरौली में सब आपसे दूध लेगा ना, कि बढ़िया दूध देते हैं। ठीक है बिल्कुल, ठीक, चलिए हम मना। वीडियो से घबरा कहीं जाते हैं इतना, अरे मुजरिम थोड़ी है कि घबरा जा रहा है। तब क्या हो गया, क्या देख रहे हैं, छनिया लगाइए। दूध वाले भैया तो खमका घबरा रहे थे,
मतलब अभी भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैमरा से थोड़ा सा देख करके वो झिझक होती है उनको और डर जाते हैं कि वीडियो मेरा क्यों, वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो बोल रहे थे वीडियो मत बनाइए, डर रहे थे, तो फिर बताएं उनको कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तब जाकर के बोले ठीक ठीक। जो भी है प्याज लहसुन अदरक मिर्चा जो भी फटाफट से काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्याज मैंने काट ली है और अदरक अदरक और मिर्चा और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है और लगभग लगभग ये कंप्लीट हो गया है। बस चलते हैं चिकन को धो लेते हैं, उसके बाद बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और लगभग टाइम भी 11 बज गए हैं और अपने को जोरों से भूख भी लग रही है, तो फटाफट से बनाते हैं। दूध बॉयल हो चुका है यहाँ पे, इसको साइड कर। मेरा चिकन जो है लगभग कंप्लीट हो गया है और बनाते बनाते पूरा पसीना से दम भीग गए हैं। बस ये कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट में, इसके बाद बंद कर देंगे गैस को और उसके बाद फिर नहाएंगे और चावल चढ़ा देंगे। तब तक दोस्तों जैसे ही बाहर निकला एकदम तगड़ी हवा चलने लगी और मौसम एकदम जबरदस्त बारिश वाली बन गई है, एकदम पूरा घने बादल घिरा हुआ है। क्या जबरदस्त मौसम और हवा भी एकदम चिल ठंडा ठंडा लगता है, आसपास कहीं बारिश हो रही है। खैर चलते हैं, पहले जल्दी से साबुन लेकर के आते हैं, अगर बारिश होगी तो बारिश में थोड़ा इंजॉय करेंगे फिर उसके बाद नहा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं बारिश होगी तो फिर उसके बाद अपने रूम में नहा लेंगे, मतलब बाथरूम में नहा लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ड्यूटी और टाइम हो गया है और बाहर का मौसम क्या ही बेहद खूबसूरत है, देख रहे हैं सब आसपास पहाड़ है। चलेंगे कभी उधर भी घूमने के लिए, दिखाएंगे आपको रेस्ट वगैरह होगा तो। पहुंच गए स्टेशन, चलते हैं साइन करते हैं, अपना ड्यूटी ऑन करते हैं। और स्टेशन पे थोड़ा भीड़ भाड़ हल्का है क्योंकि ये भी पलामू है, वो जो 6 बजे निकलती है उसके ये पैसेंजर है सारे, और अपने को उसको लेकर आना पड़ेगा या स्टेबलिंग लाइन से प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों ड्यूटी ऑन हो चुकी है, अटेंडेंस लग गया है, अब नीचे चलते हैं, अभी तो काम बोला नहीं है कोई। चलिए दोस्तों अपने को काम मिल गया है, आज साइडिंग में जाना पड़ेगा, अपने को गाड़ी निकालना है और गाड़ी रेडी हो रही है, उसको निकालना है। तो निकालने के लिए अपन जा रहे हैं साइडिंग में, वो सामने नीचे पे हाईवे गया हुआ है, रोड है मेन रोड, और इधर सब पहाड़ है और ये भी पहाड़ पे स्टेशन बना हुआ है, पहाड़ कर क्या नाम फ्लैट करके बनाया गया है। खैर चलते हैं दोस्तों और काम करते हैं। ये है सिंगरौली साइडिंग है, S1 S2 यहाँ पे कोयले का लोडिंग होता है, देख रहे हैं यहाँ पे लोडिंग चल रहा है ट्रक से, यहाँ से खदान से आता है यहीं पास में, ये जो देख रहे हैं इस पहाड़ के ठीक पीछे, इस पहाड़ के ठीक पीछे खदान है, वहाँ से यहाँ पे आता है कोयला और यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ से इकट्ठा होकर के यहाँ पे क्या नाम है ये खाली गाड़ी में रेक में लोडिंग होता है। तो यही है कुछ साइडिंग एरिया में, अभी तो कम डस्ट उड़ रहा है क्योंकि बारिश हो चुका है, तो हमेशा जो डस्ट है बैठा रहता है क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है, बारिश के दिन में थोड़ा सा यही राहत रहता है, नहीं तो लेकिन इतना जो आप दिख रहे क्लीन दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, डस्टी डस्ट एकदम रहता है, बहुत दिक्कत होता है। जब रेडी करने के लिए आदमी जाता है तो पूरा ट्रैक चेक करते हुए जाता है, तो हम ही लोग को जाना पड़ता है रेडी करने के लिए, नाक मुंह ढक करके जाना पड़ता है, नहीं तो डस्ट से भर जाता है और रात में एकदम काला काला निकलने लगता है। जब भी मतलब घर जाते हैं साफ उफ करते हैं और हाथ मुंह धोते हैं तो बहुत साइडिंग एरिया थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये थोड़ा क्या बहुत होता है डस्ट से बहुत ज़्यादा। यहीं पर बैठे हुए हैं यार्ड में कटनी इंड में, एक्चुअली मैं S41 से जो गाड़ी निकाले हैं तो वो सेंटिंग नेक में वो खड़ी है लास्ट व्हीकल में जो ब्लू कलर की दिख रही है, और बगल में आपको मैस्टक दिख रहा है गार्ड वाला, तो वो मेन लाइन से एम्प्टी उठा है, वही सप्लाई होगा तो उसको मुझे करना है सप्लाई। तो गेट पर हम हैं, फटकी देखेंगे खुला रहेगा तो उसको बंद कराना रहेगा, तो
बैठा ले यहीं पे यार्ड में। दिन है लेकिन रात में बड़ा डर लगता है बारिश में, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक सांप, जंगली सांप मिलते हैं। रसल वाइपर हो गया, करैत हो गया, ये सब सांप मिलता है खतरनाक वाला, डर लगता है बहुत, तो इसीलिए पूरा इधर उधर देख करके बैठे हैं। और यहाँ पे चल रहा है स्पोर्ट टू में साइडिंग में लोडिंग चल रहा है, ये भी देगा थोड़ी देर में लोडिंग हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया है एम टी सप्लाई होना। यहाँ पे हो रहा है मेस्टेक की सेंटिंग, और मेस्टेक में कटनी से मेस्टेक को उठा करके ओबराइंड में लगाएंगे, तो मेस्टेक की सेंटिंग हो रही है यहाँ पे। और मेस्टेक में है, और दोस्तों टाइम हो चुका है लगभग 8 बजने वाले हैं, और उसके बाद लगाने के बाद चलेंगे खाना खाने के लिए। टाइम हो चुका है 8 बज के है, तो लगाते लगाते अभी भी आधा घंटा हो जाएगा, तो लगभग 8:30 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नंबर में गाड़ी इन कर रहा है, मौसम दोस्तों हवा चल रहा है हल्का हल्का ठंडा है, बारिश तो आज नहीं हुई मौसम इतना जबरदस्त, दोपहर में घेरा हुआ था, ऐसा लगता था कि बारिश तो होगी लेकिन बारिश हुआ नहीं, लेकिन मौसम एकदम जबरदस्त ठंड वाला है ना, मतलब आस पास बारिश हो रही है जिससे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्या हाँ जी, तो दोस्तों आ चुके थे रूम पर खाना खाने के लिए थोड़ी देर पहले ही, एक्चुअली मैं एक दोस्त का फोन आ गया था तो बात करते करते ही चला आया, तो फिर मैं वहाँ से आते हुए का रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ, तो अभी जस्ट बात ही कर रहा था, तो बात करते वगैरह खाना खाने का टाइम लिमिटेड कम रहता है, आधा घंटा मिल जाए वो भी मुश्किल से बहुत। खाना वाना खा लिए हैं, और खाना वाना खा करके सब रेडी हो गया है, बस अब निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों खाना खा के आ चुके हैं स्टेशन, और आते ही अपने आप अपने को मिल गया है काम यहाँ पे, एक मेमो है जो PXR को देना है CNW, तो चलते हैं CNW के दे देते हैं। ड्यूटी से आ चुका हूँ वापस, और कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और टाइम भी लगभग 12 बज चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं जो वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाया तो उसको मैं अभी अपलोड करूंगा, क्योंकि आज एडिट कर लिया है, अभी चंद थोड़ी देर में उसको अपलोड करूंगा मैं, और कि आप कल सुबह इसको देख पाएं, मतलब ये वीडियो परसों जाएगी, तो मतलब कि ये कल अपलोड होगी। इसको अपलोड करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो फटाफट से इसको कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठना है, रोज के रोज लेट हो जा रहा है सो के उठने में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। जो हमारे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।